Hello bro, suggest me a Pokemon GBA file, please. Dot. Okay, try Pokemon Mystery Dungeon. Thank you, smiley face. रुको रुको रुको, क्रोम को ऐसे एक साथ अटैक मत करो, क्या पता सर्वर डाउन हो जाए। मैं तुम सभी के आगे तीन पॉइंट्स रखने वाला हूँ, जिसे ध्यान से देखना और ध्यान से सुन के तुम लोग डिसाइड करना कि इस फाइल को तुम्हें डाउनलोड करके खेलना है या नहीं। पहला पॉइंट, तुम पोकेमॉन हो। तुमने सही सुना, तुम इस गेम को एज अ पोकेमॉन खेल रहे हो, है ना? बहुत ही बढ़िया। जस्ट इमेजिन करो कि तुम एक पोकेमॉन गेम खेल रहे हो पोकेमॉन बन के। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। सेकेंड पॉइंट, जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तुम्हें चार पांच सवाल पूछे जाएंगे, जिस सवाल के जवाब हिसाब से तुम्हारे लिए एक यूनिक पोकेमॉन सेलेक्ट किया जाएगा। तो सवालों के जवाब अच्छे से देना और उसी के साथ तुम्हें इन पोकेमॉन से एक पोकेमॉन पार्टनर के रूप में चुनना होगा, जो तुम्हारे साथ हर एक एडवेंचर में, हर एक जगह में तुम्हें एज अ सपोर्टर गाइड करेगा जब तक तुम इस गेम में एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो। थर्ड पॉइंट, अगर हम ये गेम एज अ पोकेमॉन खेल रहे हैं तो हमें इस गेम में करना क्या है? वेल, तुम अपने नए पार्टनर के साथ एक पोकेमॉन रेस्क्यू टीम बनाते हो, जिसका ऑब्जेक्टिव दूसरे पोकेमॉन की मदद करना होता है। और जब तुम एक पोकेमॉन की मदद करोगे, वो तुम्हें रिवॉर्ड देंगे और तुम्हें दूसरे पोकेमॉन की हेल्प करते ही जाना है, जिस वजह से बहुत सारे मैप्स खुलने लगेंगे और तुम बहुत सारे जगह में एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि तुम अपने रेस्क्यू टीम में नए मेंबर्स को भी ज्वाइन करवा सकते हो। ये बात बहुत ही बढ़िया लगी मुझे इस गेम की। यही है मेरे तीन पॉइंट्स जो कि मैंने तुम सभी के सामने रख दिया है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें ये फाइल डाउनलोड करके एक बार ट्राई करना है या नहीं। और जिन्होंने अब तक पोकेमॉन GBA फाइल एक भी बार नहीं खेला है और मेरा इस तीन पॉइंट के भाषण को सुन के एटलीस्ट एक बार ट्राई करने का मन हो रहा है, क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को फॉलो करो। इसमें तुम्हें मैं कैसे डाउनलोड करके कैसे प्ले करना है वो दिखा दे रहा हूँ। पहले तुम गूगल क्रोम में जाओ, वहाँ पे सर्च बार में पोकेमॉन मिस्ट्री डंजन GBA फाइल डाउनलोड सर्च करबो। और फर्स्ट वाले लिंक में क्लिक करके थोड़ा बहुत नीचे जाके सेव गेम्स पे क्लिक करो। थोड़ी देर में तुम्हारा पोकेमॉन फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और तुम्हें एक एप्लीकेशन चाहिए होता है इसे रन करने के लिए, तो प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ पे सर्च इंजन में पोकेमॉन GBA ऐप लिखो। यहाँ पे बहुत सारे GBA ऐप आ जाएंगे। मैं फ़िलहाल में जॉन GBA लाइट खेल रहा हूँ, तो तुम इसे इंस्टॉल कर लो। और जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, इसे ओपन करके थ्री डॉट्स पे क्लिक करो और रीस्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अब तुम्हारे आगे आ गया है तुमने अभी डाउनलोड किया हुआ पोकेमॉन मिस्ट्री डंजन का फाइल। तो अभी इसे क्या करना है, अभी इसे एक बार ट्राई करो। अगर तुमने इसे सच में डाउनलोड कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी इस गेम को हाल ही में डाउनलोड किया है, तो मैं भी इसे अभी खेलने जा रहा हूँ। तो तुम्हें दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने में हेल्प किया है। खेलना है। पहला पॉइंट, वो तुम्हें ज्वाइन कैसे करवाते हैं? जिसका मकसद, और फर्स्ट वाले लिंक में क्लिक करके GBA एप्स आ जाएंगे।